अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री 9th में आज हमारा लेक्चर नंबर 23 है और चैप्टर नंबर 4 है। आज हमने डिस्कस करना है पोलैरिटी इन कोवलेंट बॉन्ड्स कि कोवलेंट बॉन्ड में पोलैरिटी क्या होती है। तो पोलैरिटी की बेस पे हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड की दो टाइप्स हैं, नॉन पोलर और पोलर कोवलेंट बॉन्ड, जो दो यहां पर टाइप्स बयान की गई हैं कोवलेंट बॉन्ड की। अब हमने ये देखना है कि पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड में जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है उनमें मेन डिफरेंसेस क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। एक बात आप ध्यान में रख लें, रिमाइंड कर लें कि हमने पहले पढ़ा था कोवलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन दो एटम्स के दरमियान या दो से ज्यादा एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। एट अ टाइम दो एटम्स के दरमियान एक मॉलिक्यूल में जो है ज्यादा एटम्स के साथ भी एक एटम शेयरिंग कर सकता है, और कोवलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड हो गया जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से वजूद में आता है। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मड बिटवीन एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो एक ही एलिमेंट के एटम्स के दरमियान वजूद में आए डेवलप हो, उस कोवलेंट बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड वो कोवलेंट बॉन्ड होता है जो एक ही एलिमेंट के एटम्स जब आपस में मिलकर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो जो हमारे पास बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब उसके बाद जो हमारे पास इसकी जो मजीद खसूसियात है वो क्या है, इसकी एक जो खसूसियत है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली शेयर्ड, कि दोनों एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है वो बराबर होती है। मिसाल के तौर पे अगर एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो दूसरा एटम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, दोनों अपना बराबर हिस्सा डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक एटम इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे और दूसरा कम दे, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दोनों एटम क्या करते हैं, बराबर इलेक्ट्रॉन देते हैं शेयरिंग के लिए। उसके बाद अगली इसकी जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर लाइज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन एटम्स, कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन का वो पेयर जो शेयर हुआ है लाइज वो पाया जाता है एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन टू एटम्स, दोनों एटम्स के बिल्कुल दरमियान पाया जाता है। अब हम आगे एग्जाम्पल्स पे देखते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल कुछ दी गई है। ये यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, इसके दरमियान जो बॉन्ड है वो पोलर कोवलेंट नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन दोनों जो एटम है हमारे पास वो हाइड्रोजन एलिमेंट के हैं, हाइड्रोजन के ही दोनों एटम है जिनने मिलकर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, इसीलिए नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब देखें ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हुआ है ये दोनों एटम्स के बिल्कुल दरमियान पाया जाता है, ठीक है। तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का वो पेयर जो शेयर होता है वो दोनों एटम्स के बिल्कुल दरमियान में पाया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद अगली इसके एग्जांपल्स हैं, तो उसके रिलेटेड एक हमारे पास इसका करैक्टर है वो क्या है कि ये जो हमारे पास नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है मोस्टली होमो न्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ये ज्यादातर पाया जाता है हमारे पास उन एटम्स में जो कि हम होमो न्यूक्लियर हूँ, क्या हूँ, उन मॉलिक्यूल्स में जो हमारे पास होमो न्यूक्लियर हूँ। होमो कहते हैं सैम को, न्यूक्लियस न्यूक्लियर का मतलब है न्यूक्लियस, कि हमारे पास जिन एटम्स में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो क्या है, सैम है, उन एटम्स में वो एटम्स क्या करते हैं जो मॉलिक्यूल बनाते हैं उनमें नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड डेवलप होता है। तो हमारे पास जो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है वो मोस्टली होमो न्यूक्लियर होता है, मतलब ऐसे हमारे पास एटम्स के दरमियान पाया जाता है जिनका न्यूक्लियस सैम होता है, न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो सैम होता है। उसके बाद हमारे पास वो क्या होते हैं, डायटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, ऐसे एटम हमारे पास मॉलिक्यूल जो क्या हो, दो एटम से मिलकर जो मॉलिक्यूल बना हो उन मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब हम उसकी आगे टाइप डिस्कस करते हैं, हमारे पास जो पहला बॉन्ड है वो क्या है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मौजूद है, इसमें हम बॉन्ड देखते हैं। हाइड्रोजन हमें पता है इसके वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या करेंगे, आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अब ये दोनों हाइड्रोजन एक ही एलिमेंट है उसके एटम है, इसलिए हमारे पास जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। और आपने ये देखा कि ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, दो एटम ने मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाया है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा एटम है वो क्या है, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में हमें पता है 5 इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन क्या करता है, दोनों नाइट्रोजन अपने तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के तीन पेयर दोनों नाइट्रोजन के दरमियान शेयर होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये जो तीनों पेयर हैं ये दोनों के बिल्कुल दरमियान, दोनों से बिल्कुल बराबर वक्फे पे पाए जाते हैं, बिल्कुल मिड वे में पाए जाते हैं, ठीक है।
इसलिए दोनों नाइट्रोजन एटम के दरमियान जो बॉन्ड बना है वो भी क्या है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये हमारे पास N2 बना है और ये भी क्या है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, और ये क्या है, होमो न्यूक्लियर है। मतलब ये कि न्यूक्लियस के अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है, सेम है। उसके बाद हम आगे देखते हैं, हमारे पास ऑक्सीजन एटम है दो, तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6-6 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन ने क्या किया, दोनों ऑक्सीजन ने अपने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए। मतलब ये कि दोनों ऑक्सीजन के दरमियान इलेक्ट्रॉन के दो पेयर शेयर हुए। तो हमारे पास डबल बॉन्ड बना है दोनों ऑक्सीजन के दरमियान, और जो हमारे पास मॉलिक्यूल बना है वो क्या है, डाई एटॉमिक। अब जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं वो दोनों ऑक्सीजन के बिल्कुल दरमियान में है, इसलिए ये भी हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो वजूद में आया है। उसके बाद आगे हमारे पास जो लास्ट एग्जांपल है वो किसकी है, क्लोरीन एटम की। अब क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है दोनों के, तो दोनों अपना एक 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 इलेक्ट्रॉन शेयर करती हैं। अब दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन का एक पेयर शेयर हुआ है। जब दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन का एक पेयर शेयर हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन का पेयर बिल्कुल मिड वे में पाया जाता है, बिल्कुल दरमियान में पाया जाता है, इसलिए क्लोरीन के जो दो एटम हैं जिनने मिलकर मॉलिक्यूल बनाया है वो मॉलिक्यूल कौन सा है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। और आपने देखा कि ये भी हमारे पास एक तो होमो न्यूक्लियर है, दोनों के न्यूक्लियस एक जैसे हैं, सेम है, और दूसरी बात ये कि ये हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बना है। ये हमारे पास थी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की कुछ करेक्टर। अब हमने आगे डिस्कस करना है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है कोवेलेंट बॉन्ड की पोलैरिटी के बेस पे। अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा, ये बिल्कुल ही अलग होगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के, बिल्कुल इसमें दोनों में क्या है, 180 डिग्री का डिफरेंस मौजूद है। अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है, द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कि ये कोवेलेंट बॉन्ड की वो टाइप है फॉर्मड बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स मिलकर जो मॉलिक्यूल बनाते हैं उन मॉलिक्यूल के दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के वो टाइप फॉर्मड बिटवीन एटम्स, जो एटम्स के दरमियान पाई जाती है या बनती है ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, वो एटम क्या होते हैं, मुख्तलिफ एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, मुख्तलिफ एलिमेंट के होते हैं। अब ये तो हो गया पहला डिफरेंस कि नॉन पोलर क्या था, कि फॉर्मड बिटवीन एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम के दरमियान बनता था। पोलर क्या होता है, फॉर्मड बिटवीन एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट के दरमियान बनता है। अब दूसरा जो डिफरेंस है वो क्या है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर लाइज क्लोजर टू वन एटम, कि यहां पर इलेक्ट्रॉन का वो पेयर जो शेयर होता है वो एक एटम लाइज क्लोजर, क्लोजर कहते हैं करीब को, वो एक एटम के ज्यादा करीब होता है दूसरे की बनिस्बत। यहां पर क्या था, देखें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर लाइज एग्जैक्टली बिटवीन मिडवे बिटवीन एटम, कि बिल्कुल दरमियान में पाया जाता है, लेकिन पोलर में क्या है, वो एक एटम के ज्यादा क्लोजर होता है, एक एटम के वो ज्यादा करीब होता है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो शेयर होता है। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि हेटरोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल, इसमें ज्यादातर क्या होता है, हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनते हैं वो हेटरोन्यूक्लियर होते हैं। मतलब ये कि जो दोनों एटम या दो जो दोनों एटम हमारे पास बॉन्ड बना रहे हैं वो मुस्लिम उनके न्यूक्लियस होंगे, उनके न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो डिफरेंट होगा, उनके शेल की जो हमारे पास शेल में जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन की वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। और वो भी क्या हो सकते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो सकते हैं, हमारे पास दो एटम ने मिलकर वो मॉलिक्यूल बनाए हुए हो सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि हर दफा जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है वो डाई एटॉमिक भी हो, वो ट्राई एटॉमिक या फिर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है। उसके बाद अगला जो डिफरेंस है वो क्या है, कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर डजंट लाई एग्जैक्टली बिटवीन, के जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का वो पेयर जो शेयर हुआ है वो बिल्कुल दरमियान में नहीं पाया जाता। यहाँ पर पोलर में क्या था, लाई एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन टू एटम, नॉन पोलर में कि बिल्कुल दरमियान में पाया जाता था, पोलर में वो बिल्कुल दरमियान में नहीं पाया जाता। अब उसके बाद जो आगे हमारे पास जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, एटम विद हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब देखना यह है कि अगर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का पेयर जो शेयर नहीं हुआ, अगर वो बिल्कुल दरमियान में नहीं पाया जाता, तो वो कौन से एटम के करीब ज्यादा होगा, हमने ये चेक करना है कि कौन से एटम के गिर्द वो ज्यादा होगा, कौन से एटम के ज्यादा वो करीब होगा। तो अब हम देखते हैं कौन से एटम के ज्यादा करीब होता है, एटम विद हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेवलप स्लाइट नेगेटिव चार्ज, कहते हैं कि वो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने जो हमारे पास तीसरा चैप्टर था, थर्ड चैप्टर, उसमें हमने डिस्कस किया था कि किसी भी एटम की जो हमारे पास शेयर्ड पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का, उसको अपने तरफ खींचने की जो सलाहियत है, जो उसकी ये खासियत है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पर हमारे पास ऐसा एटम
जिसके जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी उसके जो करीब ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का वो पेयर जो शेयर हुआ है। इस वजह से क्या होता है उस एटम के ऊपर जो चार्ज डेवलप हो जाता है वो क्या होता है स्लाइड नेगेटिव चार्ज। हमारे पास जो उसके ऊपर जुज़वी नेगेटिव चार्ज आ जाता है, मतलब ये कि वो चार्ज इतना स्ट्रांग नहीं होगा लेकिन नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाता है। इस वजह से कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन उसके ज्यादा करीब थे। और इसी तरह एटम विद लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती है डेवलप स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर क्या आ जाता है जुज़वी तौर पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मतलब ये कि वो स्ट्रांग पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, स्लाइड पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन उससे काफी दूर है, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल मिडवे में नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो उससे दूर है उस एटम से जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या है कम है। अब हम आगे एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे पास जो पहले एग्जांपल है वो क्या है HCl की या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। अब हमें पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड दो एटम हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान बनता है, एक एटम हाइड्रोजन का और दूसरा क्लोरीन का। अब ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के एटम हैं, ये उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। अब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से क्या हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो शेयर हुआ है वो क्लोरीन के करीब ज्यादा होगा और हाइड्रोजन से क्या होगा वो दूर होगा। इस वजह से क्लोरीन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज ये इस बात को शो करता है कि हाइड्रोजन क्या है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन का पेयर क्लोरीन के ज्यादा नजदीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज ये शो करता है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम है और हमारे पास हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन का जो पेयर जो शेयर हुआ है वो क्या है दूर है। अब हम देखते हैं इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है 2.2 और क्लोरीन की वैल्यू है 3.2। अब हमें पता चला कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए जो शेयर्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन का वो क्लोरीन के ज्यादा करीब है और हाइड्रोजन से दूर है। इसी तरह हम ये भी देखते हैं कि जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है उसमें भी क्या है हमारे पास जो फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है ज्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इसी तरह हमारे पास अगली जो एग्जांपल है वो क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड की। इसमें भी हम देखते हैं कि क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसकी ऑक्सीजन के ऊपर क्या है स्लाइड नेगेटिव चार्ज है और कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कम है। इसी तरह हमारे पास ये नाइट्रोजन ऑक्साइड की एग्जांपल है, इसमें भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज है और नाइट्रोजन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह हाइड्रोजन ब्रोमाइड है हमारे पास, इसमें भी क्या है कि क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए ब्रोमीन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन की कम है इसलिए स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, जिसके ऊपर ज्यादा हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा होगी उसके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो पोलर सब्सटेंस है इसके क्या करैक्टर है। इसके एक करैक्टर ये है कि पोलर सब्सटेंस डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन प्योर फॉर्म। जब ये अपनी असली हालत में होते हैं उस वक्त ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, मतलब ये कि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती, इनमें से करंट पास नहीं हो सकता जब ये अपनी प्योर फॉर्म में। प्योर फॉर्म का ये मतलब है कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो हमारे पास वो जो लिक्विड मौजूद है वो सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही हो तो उसमें से जो करंट है वो नहीं पास हो सकेगा। अब दूसरी बात क्या है गिव कंडक्टिंग सॉल्यूशन व्हेन डिजॉल्व इन पोलर सब्सटेंस। लेकिन जब हम क्या करते हैं कि इनके अंदर किसी भी दूसरे पोलर सब्सटेंस को क्या करते हैं ऐड करते हैं, मतलब ये कि दो हमारे पास पोलर सब्सटेंस हैं उन दोनों को हम क्या करते हैं डिजॉल्व करते हैं, दोनों को जमा करते हैं तो उसमें से क्या हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। मतलब ये कि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कोई दूसरा पोलर सब्सटेंस ऐड करेंगे तो वो जो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा उसमें से करंट पास हो सकेगा, लेकिन अगर हमारे पास प्योर HCl है तो उसमें से करंट पास नहीं हो सकेगा। अब उसके बाद हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो क्या, ये वो सारे एग्जांपल्स हैं जो हमारे पास डायटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। अब हम एग्जांपल देखते हैं ट्राईटॉमिक मॉलिक्यूल की। उसमें हमें ये चीज देखनी है कि हमारे पास जो ट्राईटॉमिक मॉलिक्यूल है उनमें सबसे पहले एग्जांपल क्या है, वो वाटर मॉलिक्यूल की है। ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है। अब हम ये देखते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन ने दो बॉन्ड बनाए हुए हैं हाइड्रोजन के दरमियान, एक ये OH बॉन्ड है और एक इस साइड वाला OH बॉन्ड है। ये दोनों OH बॉन्ड क्या है, ये कोवेलेंट करैक्टर है। इनके अंदर जो करैक्टर है वो क्या है कोवेलेंट करैक्टर है। और कौन सा कोवेलेंट करैक्टर है,
इनके अंदर पोलर कोवलेंट करेक्टर है, मतलब ये जो बॉन्ड है ये हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, और ये दूसरा बॉन्ड है ये भी क्या है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड इस वजह से है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इसी तरह ऑक्सीजन की यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए हम ये देखते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से, और हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की कम होने की वजह से। अब हम उस ये भी देखते हैं कि ये तो हमने ये देखा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो पोलर है। जो वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर एज अ होल, ये भी क्या है हमारे पास पोलर सब्सटेंस है। वाटर एज अ होल क्या है हमारे पास पोलर सब्सटेंस है, क्योंकि वाटर के अंदर जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान उनके अंदर जो करैक्टर है वो क्या है, पोलर कोवलेंट करैक्टर है। और उसके बाद हमारे पास ये वाटर का होल जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो बॉन्ड बना है वो इस तरीके से बना हुआ है कि दोनों हाइड्रोजन हमारे पास एक ही तरफ मौजूद है, मतलब ये कि ये दोनों हाइड्रोजन एक ही तरफ मौजूद है ऑक्सीजन के, इस वजह से इनके जो दरमियान बॉन्ड है वो क्या है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। और दोनों के दरमियान जो हाइड्रोजन के दरमियान जो एंगल है वो क्या है, 104.5 डिग्री सेंटीग्रेड का। वाटर एज अ होल इसलिए पोलर मॉलिक्यूल है क्योंकि हमारे पास जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों है वो ऑक्सीजन के एक ही तरफ पाई जाती हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ईच OH बॉन्ड इज पोलर, कि हमारे पास जो हर OH बॉन्ड है वो क्या है, पोलर है। वाटर मॉलिक्यूल एज अ होल इज पोलर, हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल है एज अ होल वो क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। अब उसके बाद हम ये देखते हैं, हमारे पास एक दूसरी एग्जांपल है वो भी डिस्कस हुई है, वो है हाइड्रोजन सल्फाइड की, वो भी क्या है हमारे पास पोलर एक सब्सटेंस है, लेकिन वाटर उसमें एक डिफरेंस है वो क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड इज आल्सो पोलर, वो भी पोलर है बट इज लेस पोलर देन वाटर, लेकिन वो वाटर से लेस पोलर है, वाटर से उसकी पोलैरिटी कम है। उसकी वजह क्या है, बिकॉज सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या है, ऑक्सीजन से कम है। ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और सल्फर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से हाइड्रोजन सल्फाइड की पोलैरिटी कम है और हमारे पास वाटर की पोलैरिटी क्या है, ज्यादा है। तो ये स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक था जिसमें हमने जो पोलैरिटी इन कोवलेंट बॉन्ड डिस्कस की, उसकी दोनों टाइप्स पोलर और नॉन पोलर जो कोवलेंट बॉन्ड है वो डिस्कस किया। तो इसके मेन डिफरेंसेस मैं आपको दोबारा एक दफा बता देता हूँ कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड एक ही एलिमेंट के एटम, एक तरह के एलिमेंट के एटम से बनता है, और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो मुख्तलिफ एलिमेंट है उनके एटम मिलकर बनाते हैं। और जो हमारे पास नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो बिल्कुल दरमियान में पाया जाता है दोनों एटम्स के दरमियान, और पोलर कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का पेयर बिल्कुल दरमियान में नहीं पाया जाता, उस एटम के जो वो ज्यादा करीब होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और उसके कम करीब होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। और इसके बाद हमारे पास ये है कि जो नॉन पोलर है ये होमो न्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स में ज्यादातर पाया जाता है, मतलब ऐसे एटम्स जो मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं जिनका जो न्यूक्लियस है उनके गिर्द इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होता है, सेम होता है। और जो पोलर है ये हेटरो न्यूक्लियर जो हमारे पास मॉलिक्यूल है उनके अंदर पाया जाता है, हेटरो न्यूक्लियर और डायटॉमिक। तो ये हमारा आज का टॉपिक था पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे मेटालिक बॉन्ड, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।